14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 2 22। 22 फंदे बनाने के बाद देखिए फर्स्ट रो से ही हम डिजाइन चालू करेंगे। उसके लिए देखिए हम ये दो फंदे उतार लेंगे, जो फर्स्ट वाले दो फंदे हैं इन्हें हम बगैर बुने स्लिप कर लेंगे और आगे के देखिए फंदे हम बना लेंगे। देखिए फर्स्ट रो हम थोड़ा सा आराम से बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए मैं इसे पुरानी चुन्नी से बना रही हूँ, आप इसे साड़ी ऊन मैक्रम से भी बना सकते हैं या आप पुरानी चुन्नी से भी बना सकते हैं। इसे आप मैट के तौर पे यूज कीजिए, टेबल मैट के तौर पे यूज कीजिए, पूजा आसन में यूज कीजिए। ये बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा और इसे बिगनर भी आसानी से बना लेंगे, ये इतना इजी है। देखिए इस रो को हम थोड़ा सा आराम से निकालेंगे ऐसे, लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे ऐसे, ये दो फंदे हम छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। देखिए ऐसे, इस फंदे को उतारेंगे और बाकी पूरी रो रोटी उल्टी बना लेंगे। देखिए उल्टा उल्टा इस रो को हम बनाएंगे। जो दो फंदे हमने बगैर बुने उतारे थे उन फंदों को छोड़ देंगे, वापिस यहीं से पलट जाएंगे। दो फंदे देखिए हम फिर से छोड़ देंगे ऐसे, इसमें हमें एक साइड से दो दो फंदे छोड़ देने हैं और एक साइड से बगैर बुने उतारने हैं और एक साइड से दो फंदे छोड़ते हुए जाना है इस तरह से। देखिए ये देखिए लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, ये दो फंदे पहले छोड़े, दो और छोड़े और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे ऐसे,
पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही बना लेंगे। देखिए ये देखिए, दो फंदे जो हमने बगैर बुने छोड़े थे उन्हें छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। फिर से देखिए, हम दो फंदे बगैर बुने उतार लेंगे, ऐसे इन फंदों को स्लिप कर लेंगे और बाकी फंदे बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए, दो फंदे छोड़े और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे, बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, जो दो फंदे हमने स्लिप किए थे इन फंदों को छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतार लेंगे। फिर से देखिए, हम यहाँ पर दो फंदे स्लिप करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर से दो फंदे स्लिप करेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे ऐसे ही, और जो दो फंदे हमने स्लिप किए थे इन फंदों को छोड़ देंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे। फिर से देखिए, दो फंदे स्लिप करेंगे ऐसे और ये दो फंदे उतार लेंगे। अब देखिए, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दस फंदे हमने इस साइड स्लिप किए और दस फंदे, दो चार छ आठ दस, दस फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए। तो देखिए, अब हम वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारा, ये देखिए चार, ये दो फंदे हमने, ये हमारे यहाँ पर दो फंदे बच गए थे, दो फंदे हम ये साथ में लेके बना लेंगे। ये देखिए, दो फंदे बनाए और वापस यहीं से पलट जाएंगे। और दो फंदे यहाँ पर देखिए हम साथ में ले लेंगे, गैप है तो एक फंदा उठाएं और दो का एक बना लें, इस तरह से देखिए ऐसे। फिर से हम यहीं से पलट जाएंगे। देखिए, इस फंदे को उतारा, दो फंदे देखिए हम यहाँ से बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, अगर यहाँ पर आप गैप है तो आप एक फंदा उठा ले यहाँ से ऐसे और इस फंदे को साथ में लेके बना ले, इस तरह से ऐसे, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। जिस तरह से हमने दो दो फंदे छोड़े थे उसी तरह हम दो दो फंदे बनाते हुए इसे बना लेंगे। देखिए, दो फंदे हम यहाँ से फिर से ले लेंगे, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे ऐसे और दो का एक बना देंगे ऐसे, वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे,
और सभी फंदे देखें बना लेंगे। दो फंदे हम साथ में ले लेंगे, यहाँ से एक फंदा यहाँ से उठाया और दो का एक बना लेंगे ऐसे, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। और ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, और ये देखिए हमने जो चुन्नी की कटिंग की थी इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे ऐसे, और ऐसे बना लेंगे। ये देखिए दो फंदे हम यहाँ से फिर से ले लेंगे, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और दो फंदे का एक बना लेंगे ऐसे, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे देखिए इसे आप थोड़ा सा लूज हाथों से बनाते जाएं ताकि आपकी जो कली है वो प्रॉपर बन के आए। अगर इसे आप टाइट बनाएंगे तो यहाँ पर आपका झोल आ सकता है। देखिए यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे और दो फंदे फिर से ले लेंगे, यहाँ पर दो का एक बनाएंगे ऐसे, दो का एक बनाया, एक फंदा आगे से ले लेंगे ऐसे, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए ऐसे बना लेंगे, बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। दो फंदे हम यहां से ले लेंगे, एक फंदा यहां से उठाया इस तरह से, और दो का एक बना देंगे ऐसे, और इस फंदे को बना लेंगे। जो ये धागा है हमारा फंदे डालते वक्त बचा था इसे इसमें दबा लेंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे, बाकी पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी रो ऐसे ही सीधा सीधा उल्टी उल्टी इस तरह से बना लेनी है। अब देखिए दो फंदे हम फिर से मिला लेंगे, यहाँ पर एक फंदा उठाएंगे इस तरह से और दो का एक बना देंगे ऐसे ऐसे, और देखिए इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे आगे वाले फंदे को, देखिए ऐसे इस तरह से, ताकि हमारे किनारे इस तरह से प्रॉपर बन गया है।
देखिए अब इस फंदे को उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे जो हमने छोड़े थे उन फंदों को भी साथ में ले लेंगे। ये देखिए ये हमारे लास्ट के दो फंदे बचे हैं, इन फंदों को भी हम साथ में ले लेंगे। यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से और दो का एक बना देंगे। इस तरह से देखिए दो का एक बनाया और लास्ट वाले फंदे को भी ऐसे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये कली बन के आई है। देखिए इसे आप एक चीज का ध्यान रखें, इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से बनाएं ताकि इस तरह से आपकी प्रॉपर ये कली बन के आए। इस तरह से देखिए इसमें बिल्कुल भी कहीं भी झूल नहीं है। अगर आप इसे टाइट हाथों से बनाएंगे तो आपकी इस तरह से मुड़ जाएगी कली। तो इस तरह से देखिए आप बनाएंगे और ये सीधी रो हम सीधा सीधा बना लेंगे। इस फंदे को उतार लेंगे। अब इस फंदे को हम बनाएंगे नहीं, उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे पट्टी और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस फंद को पट्टी को ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए जाएंगे। तो चलिए ये रो उतार लेती हूँ। उसके बाद ये देखिएगा इस तरह से हमारी ये बनके आई है। अब हम उल्टी साइड से इसमें सेकंड कलर लगाएंगे। ये देखिए कलर आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है। ऐसे यहाँ पर 12 फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये 12। देखिए 12 फंदे हमने ग्रीन कलर से बनाए। दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो 12। 12 फंदे बनाए और यहीं से पलट जाएंगे इस रो को। बना लेंगे इस तरह से सीधा सीधा। ये देखिए सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे उल्टा उल्टा ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए लास्ट वाला सीधा फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से, ऐसे जैसे ये बनाते हुए आए हैं हम इसी तरह से। अब देखिए इस पट्टी को साथ में दबा लेंगे। यहाँ पर हम 10 फंदे बनाएंगे और 2 फंदे छोड़ देंगे लास्ट वाले ग्रीन कलर के। देखिए 2 फंदे छोड़ेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे।
इस फंदे को उतारेंगे और ग्रीन कलर के ये फंदे हम उतार लेंगे। दो फंदे हमें हर बार छोड़ते हुए जाना है। देखिए इस तरह से इस फंदे को देखिए सीधा बनाएंगे। लास्ट वाले फंदे को ऐसे धागा पीछे करेंगे और इसे सीधा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए उल्टी रो में हमें इस फंदे को उतार लेंगे और यहाँ पर देखिए दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे और ये देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे ऐसे सीधा बनाया। उल्टी रो में देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे ऐसे और देखिए दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और वापस यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए दो दो चार दो छः छः फंदे हमें छोड़ दिए, दो फंदे उतारेंगे छह फंदे छूट गए हमारे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे ऐसे और लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से और उल्टी रो में हम इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे। ये तीन चार चार फंदे बनाए और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। दो फंदे फिर से छोड़ दिए, इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे और देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। इस फंदे को उतारेंगे आगे वाले को और ये दो फंदे बना लेंगे, दो फंदे हम छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए जिस तरह से हमने दो दो फंदे छोड़े थे उसी तरह हम दो दो फंदे साथ में बना लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे और ये देखिए दो फंदे और यहाँ पर गैपिंग आ रही है तो गैपिंग को भरने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और दो फंदे यहाँ से ले लेंगे। देखिए दो का एक बनाएंगे, एक फंदा आगे से ले लेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पर चार फंदे हो गए, वापिस यहीं से पलट जाएंगे। एक फंदा उतारेंगे और देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए अगर आप इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो इस तरह से हमारी प्रॉपर किनारे बन के आएगी और हमारा मैट बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो इस तरह से बनाते हुए देखिए इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे। तो देखिए दो फंदे फिर से हम साथ में ले लेंगे, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, फंदा उठाया देखिए फंदा उठाएंगे यहां से इस तरह से और दो का एक बना देंगे। ऐसे दो का एक बनाया, एक फंदा आगे वाला ले लिया और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। जिस तरह से हमने दो दो फंदे छोड़े थे उसी तरह से हम दो दो फंदे अब साथ में लेके चलेंगे।
देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे, और देखिए इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। एक बार इस फंदे को हमें सीधा बनाना है और एक बार ऐसे ही उतारना है। ये देखिए अब हम फिर से दो फंदे ले लेंगे, तो उसके लिए गैपिंग भरने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और दो का एक बना देंगे, इससे आगे वाला फंदा बना लेंगे। फिर से यहीं से पलट जाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे और ये देखिए ऐसे, और वापिस देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए फर्स्ट फंदा उतारा और ये फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। तो चलिए ये दो चार फंदे बचे हैं, इन फंदों को भी साथ में लेके उसके बाद बताती हूँ आगे कैसे बना। ये देखिए इस तरह से हमारी एक कली बन के आ गई है। अब हम यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। कलर आप अपनी पसंद से कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और इस पट्टी को साथ में दबा लेंगे ऐसे। सभी फंदे हम ऑरेंज कलर से बना लेंगे। ऐसे ये देखिए यहाँ पर देखिए गैपिंग के लिए यहाँ से हम फंदा उठाएंगे, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे और दो का एक बना देंगे ऐसे। और सभी फंदे ऑरेंज कलर से बना लेंगे। देखिए इस पट्टी को साथ में इस तरह से लपेट लेंगे। ऐसे लपेट लिया, उस सभी फंदे ऑरेंज कलर से बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर लगा लिया है। इस फंदे को हम उतारेंगे ऐसे, पट्टी को आगे की तरफ करेंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और देखिए फर्स्ट वाला फंदा जो लास्ट वाला है इसे हम सीधा बना लेंगे और
कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको मेरी प्यारी सी डोरमेट कैसा लगा। देखिए अब हमें जैसे इस वाली कली में बनाना शुरू किया था वैसे ही बनाएंगे हम इस कली को। तो यहाँ से दो फंदे हम स्किप करेंगे, दो फंदे स्किप करेंगे, यहाँ से पूरी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे, लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे। ये एक रो में मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये देखिए इस रो को उतार लेंगे, ऐसे कलर आप अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद है आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। ये देखिएगा लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। देखिए सीधी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, इस रो को उल्टा उल्टा बनते हुए जाना है, यहाँ से दो दो फंदे हमें छोड़ते हुए जाना है और यहाँ पर दो दो फंदे स्किप करते हुए जाना है। ये हमें दो फंदे अब की बार स्किप किए, दो फंदे फिर से करेंगे, ऐसे ही हम बीच तक आएंगे। जिस तरह से हमने इस कली को बनाया वैसे ही हम पूरा डोरमेट बनाएंगे। देखिए एक कली में, छोटी सी कली वीडियो में फ्रेंड्स आप पूरा मैट बनाना सीख जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बनाने के बाद दिखाती हूँ। जैसे हमने इस कली को बनाया वैसे ही हमारा ये पूरा मैट बन के आएगा। तो इस तरह से आप इसमें इसे ऊन से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं, आप अपनी पसंद के कलर लगा सकते हैं और इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ।